जो आज हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। ठीक है, अब ये फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन आपके पास क्या है? इट इज ए मेथड टू सॉफ्टवेयर डिजाइन। ये भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का एक मेथड है, जहां पर हम क्या करते हैं, द मॉडल इज डिकम्पोज इनटू ए सेट ऑफ इंटरेक्टिंग यूनिट्स, जहां पर हम वेयर द मॉडल्स डिकम्पोज, जहां पर हम एक मॉडल को डिकम्पोज करते हैं इंटू ए सेट ऑफ इंट्रैक्टिंग यूनिट्स, यूनिट्स के अंदर, सब मॉड्यूल्स के अंदर, वेयर ईच यूनिट और मॉड्यूल हैज ए क्लियरली डिफाइंड फंक्शन, जहां पे हम हर मॉड्यूल या यूनिट को क्लियरली डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास डिजाइन नोटेशंस क्या होती हैं। डिजाइन नोटेशंस आर प्राइमरली मीन टू बी यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिजाइन, कि जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर ए फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, द डिजाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। डिजाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली, ठीक है, या मैथमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे डिजाइन नोटेशंस का, जिसमें हमने क्या क्या चीजें ली हुई हैं इसके अंदर, डाटा डिक्शनरी, सूडो कोड, डाटा फ्लो डायग्राम और स्ट्रक्चर चार्ट्स। ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम के बारे में स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, डीएफडी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम क्या है, इज कंसर्न्ड विद डिजाइनिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशंस की एक सीरीज है दैट कन्वर्ट सिस्टम इनपुट, जिसमें हम क्या करते हैं, सिस्टम इनपुट्स को रिक्वायर्ड आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जो डाटा फ्लो डायग्राम है स्टूडेंट वो क्या है, डाटा फ्लो डायग्राम आर यूजफुल, एक यूजफुल और इनिशिएटिव वे है सिस्टम को डिस्क्राइब करने का। ठीक है, दे आर जनरली अंडरस्टैंडेबल विदाउट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, और इसको समझने के लिए हमें ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दे शो एंड टू एंड प्रोसेसिंग। डाटा फ्लो डायग्राम इज एन इंटीजरल पार्ट ऑफ सेवरल डिजाइन मेथड्स, ओके, एंड मोस्ट केस टूल्स जो होते हैं, जो काफी सारे केस टूल होते हैं, केस की फुल फॉर्म आपके पास क्या होती है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये केस की फुल फॉर्म होती है आपके पास। ठीक है, तो डाटा फ्लो डायग्राम क्या है, एक इंटीजरल पार्ट है सेवरल डिजाइन मेथड्स का, बहुत से केस टूल हैं जो डाटा फ्लो डायग्राम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम द नोटेशन विच इज यूज टू बेस ऑन द फॉलोइंग सिंबल्स, तो कौन कौन से हम सिंबल्स इसमें हम यूज करेंगे, देखिए ये आपके पास आता है इसमें डाटा फ्लो डायग्राम में हमारे पास ये कौन कौन से स्टूडेंट सिंबल यूज होते हैं, देखिएगा आप इसके अंदर यहाँ पे, ये मैंने आपको देखिए पहले भी बताया था, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका, ये तैयार करने हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर ये वाले कंसेप्ट आपके पास आते हैं, जैसे ये वाला सिंबल हो गया राउंडेड रेक्टेंगल के लिए। ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट फंक्शंस, जो ये है ठीक है, इट रिप्रेजेंट फंक्शंस विच ट्रांसफॉर्म्स इनपुट टू आउटपुट। जिसके थ्रू, राउंडेड रेक्टेंगल के थ्रू हम क्या करते हैं, इनपुट सिंबल्स को हम आउटपुट सिंबल्स में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये तो हो गया राउंडेड रेक्टेंगल, फिर आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का काम क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स डाटा स्टोर्स, अगेन दे शुड गिव इट डिस्क्रिप्टिव नेम। फिर सर्कल, सर्कल भी हम किस लिए यूज करते हैं, यूजर इंट्रक्शंस के लिए, हम सर्कल को यूज करते हैं यूजर इंट्रक्शंस के लिए। एरो हम यूज करते हैं, तो एरो क्या बताते हैं, ये डाटा के फ्लो को शो करते हैं आपके पास। ठीक है, फिर हम इसके अंदर एंड और ओवर कीवर्ड का यूज करते हैं, द कीवर्ड एंड और दे हैव देयर यूजुअल मीनिंग इन बूलियन एक्सप्रेशन, दे आर यूज्ड टू लिंक डाटा फ्लो, ये डाटा फ्लो को लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ये डाटा फ्लो बना भी रखा है, कि इसमें हमने क्या किया,
यहाँ पे डाटा फ्लो डायग्राम हमने बनाया है, डिजाइन किया रिपोर्ट जनरेटर का, एक रिपोर्ट हमने जनरेट की। गेट डिजाइन नेम, हम पहले डिजाइन का नेम लेंगे, ठीक है, फिर गेट एंटिटी नेम, हम एंटिटी का नेम डालेंगे, ठीक है, फिर एंटिटी के नेम को हम सॉर्टिंग करेंगे, उसको सॉर्टेड होने पर वो क्या हो गया आपके पास यहाँ पे कि उसका क्या सॉर्ट का टाइप यूज किया आपने, असेंडिंग में आपने देखा है उसको, ठीक है, या तो आपने असेंडिंग में देखा होगा उसको या फिर डिसेंडिंग के अंदर, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे। फिर हम उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, और जब हमारी सारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, सबसे लास्ट स्टेप जो हमारे पास होता है, सबसे लास्ट स्टेप कि उस रिपोर्ट को हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो ये हमने एक डाटा फ्लो डायग्राम बना रखा है, किसका, रिपोर्ट जनरेटर का, कि एक रिपोर्ट किस तरीके से हम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है आपके पास कि डाटा जनरेटर क्या करता है, एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है विच डिस्क्राइब ऑल ऑफ द नेम्ड एंटिटी इन ए डाटा फ्लो डायग्राम, कि जिसमें हमने सारे नेम्स को डिस्क्राइब कर रखा है। यूजर क्या करेगा, डिजाइन का नेम इनपुट करेगा, रिपोर्ट जनरेटर क्या करेगा, नेम्स को फाइंड करेगा जो डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर यूज होते हैं, इट लुक्स अप ए डाटा डिक्शनरी एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके पास में डाटा डिक्शनरी, ये कंसेप्ट भी आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। डाटा डिक्शनरी का कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, डाटा डिक्शनरी का एग्जाम क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम के अंदर आ जाता है। डाटा डिक्शनरी क्या करता है, लिस्ट ऑल डाटा एलिमेंट्स, कि जितने भी डाटा एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डीएफडी मॉडल के अंदर, सिस्टम के अंदर हम यूज करते हैं, द डाटा आइटम्स लिस्टेड कंटेन ऑल डाटा फ्लोज, इसके अंदर सारे डाटा फ्लोज को दिखाता है, डाटा फ्लो के कंटेंट्स को शो करता है, ठीक है। तो ये डाटा डिक्शनरी लिस्ट द ऑब्जेक्टिव, डाटा डिक्शनरी लिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जितने भी डाटा आइटम्स हैं एंड द डेफिनेशन ऑफ ऑल कंपोजिट डाटा एलिमेंट, जो कंपोजिट डाटा एलिमेंट्स के डेफिनेशन हैं उनको शो करना। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे देखिए, जैसे इसमें हमने क्या कर रखा है, डाटा डिक्शनरी एंट्री में कंटेन डेट द डाटा, एक हमने ग्रॉस पे लिया है यहाँ पे, ये किससे मिलके बनता है, ग्रॉस पे आपके पास रेगुलर पे और ओवरटाइम पे। तो ग्रॉस पे को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रेगुलर पे में हम ओवरटाइम पे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डाटा जो डिक्शनरी है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर को बनाने का, उसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस डाटा डिक्शनरी का होता है, ठीक है। अब मान लीजिए किस तरीके से डाटा डिक्शनरी क्या करता है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रोवाइड करता है फॉर ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, फॉर यूज बाय इंजीनियर्स, ठीक है, वर्किंग इन ए प्रोजेक्ट, जो भी इंजीनियर्स प्रोजेक्ट के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है। ए कंसिस्टेंट वोकैबुलरी फॉर डाटा आइटम्स इज असेंशियल, ओके। इन लार्ज प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि डिफरेंट इंजीनियर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टेंड टू यूज डिफरेंट टर्म्स, वो डिफरेंट टर्म्स को यूज करते हैं, ओके। द डाटा डिक्शनरी प्रोवाइड द एनालिस्ट विद द मींस टू डिटरमाइन द डेफिनेशन ऑफ वेरियस डाटा स्ट्रक्चर्स इन देयर कंपोनेंट एलिमेंट्स। अब जिस तरीके से डाटा आपके पास डिक्शनरी होती है, उसी तरीके से नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है आपके पास, स्ट्रक्चर चार्ट्स। तो ये स्ट्रक्चर चार्ट्स क्या होता है स्टूडेंट, इट पार्टीशंस ए सिस्टम, कि हम इसमें सिस्टम को हम पार्टीशन करते हैं, किसमें हम करते हैं, ब्लॉक बॉक्सेस के अंदर, ठीक है, ब्लॉक नहीं, ब्लैक बॉक्सेस। तो ए ब्लैक बॉक्सेस सिस्टम डेट फंक्शनल इज नॉन टू द यूजर विदाउट द नॉलेज ऑफ इंटरनल डिजाइन। तो इसमें यहाँ पे देखिए हमने एक स्ट्रक्चर चार्ट का यहाँ पे एक डायग्राम बना रखे, इसको हमने क्या किया, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर मैंने इसको क्या किया, फर्दर ऐसे इसको डिवाइड कर दिया, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया, ये हमने हायरार्किकल फॉर्मेट स्ट्रक्चर चार्ट का। अब जो स्ट्रक्चर चार्ट है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर चार्ट के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो क्या करता है, विच शोज सिस्टम पार्टीशंस इनटू मॉड्यूल्स, ये सिस्टम पार्टीशंस को मॉड्यूल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, हायरार्की ऑफ कंपोनेंट मॉड्यूल्स, उन प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स के बीच में क्या रिलेशन है, मॉड्यूल्स के बीच में क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर चार्ट में हम कौन कौन सी नोटेशंस हम इसमें यूज करेंगे, देखिए स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर जो आपकी नोटेशंस यूज होती हैं वो ये वाली आपके पास नोटेशंस यूज होती हैं, ये देखिए, ठीक है, ये तो हो गया आपके पास मॉड्यूल के लिए, ठीक है, ये हो गया आपके पास एरो के लिए,
ये हो गया आपके पास डाटा को जोड़ने के लिए, डाटा की कपलिंग करने के लिए, ये कंट्रोल फ्लैग के लिए। अगर हमें लूप चलानी है इसके अंदर, तो लूप के लिए फिर हम ये वाला कंसेप्ट हम इसमें यूज करते हैं, और ये हम डिसीजन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास सुडो। सुडो का मीनिंग क्या है आपके पास? सुडो भी स्टूडेंट ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है। सुडो कोनोटेशंस कैन बी यूज इन बोथ द प्रिलिमिनरी एंड डिटेल्ड डिजाइन फेसेस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। द डिजाइनर डिस्क्राइब सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स यूजिंग शॉर्ट कंसाइज इंग्लिश लैंग्वेज फेसेस दैट आर स्ट्रक्चर्ड बाय कीवर्ड्स सच एज इफ देन एल्स व्हाइल डू एंड। तो जो हम ये ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, तो ये किसके अंदर यूज होते हैं आपके पास? सुडो कोड के अंदर यूज होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। फिर आपके पास कंसेप्ट आता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है स्टूडेंट? ये C++ के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है। C++ लैंग्वेज के अंदर मैंने ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के बारे में बताया कि जिसमें हर एक चीज वो किसके ऊपर लैंग्वेज है, वो किसके ऊपर बेस करती है? ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करती है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने क्या लिख रखा है, द सिस्टम इज व्यूड एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम एंटिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो द स्टेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑब्जेक्ट्स एंड ईच ऑब्जेक्ट हैंडल्स इज स्टैटिक डाटा। अब मान लीजिए अगर मैं बात करूं लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की, तो हर एक लाइब्रेरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सेपरेट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के अपने क्या होंगे? डाटा होंगे, अपने एक फंक्शंस होंगे जो उन डाटा के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं? क्लास क्रिएट करते हैं। इन अदर वर्ड्स ईच ऑब्जेक्ट इज ए मेंबर ऑफ सम क्लास। अदर वर्ड्स में हम क्या कर सकते हैं? हर एक ऑब्जेक्ट के बस कुछ क्लास का एक मेंबर होगा। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे इसका एक हमने डायग्राम बना रखा है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट्स हो गया आपके पास पहला, फिर क्लास, फिर मैसेजेस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये सब क्या होती है स्टूडेंट्स? ये सब क्या होती है? फीचर्स ऑफ ऊप्स, फीचर्स ऑफ ऊप्स, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे कि जितनी भी एंटिटीज हैं, ठीक है, उनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे पर्सन हो गया, बैंक हो गया, कंपनी हो गई, यूजर्स हो गया, ये सब क्या कहलाएगा आपका? ऑब्जेक्ट्स कहलाएगा। अब इसमें नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऐसे ही क्लासेस। तो स्टूडेंट हम क्लासेस किसको बोलते हैं हम इसके अंदर? अब देखिए आपके पास क्लासेस किसको बोलते हैं? मैंने पहले भी बताया था कि एक क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास किससे मिलके बनती है? कई सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला के क्लास बनती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। और मैसेज किसे कहते हैं? कि जो ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो क्या करते हैं? मैसेज पास करते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट वन है और ये ऑब्जेक्ट टू है, ऑब्जेक्ट वन क्या करेगा? ऑब्जेक्ट टू को मैसेज कन्वे करेगा, ठीक है। दिस लेक्चर इज यूज्ड इज ओनली फॉर पीजीडीसीए स्टूडेंट्स। ये जो लेक्चर्स मैं ले रहा हूं ये केवल पीजीडीसीए स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी इज हैंडल्ड यूजिंग द एब्स्ट्रैक्शन। मतलब इसमें मेन मेन इंफॉर्मेशन को लेते हैं, मेन डिटेल को लेते हैं, बाकी बिल्कुल हम जो है डीप डिटेल के अंदर हम नहीं जाते। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? कि जैसे आपके पास कैप्सूल होता है, इसमें जो दवाई होती है वो आपके पास हिडन होती है, ठीक है। इनहेरिटेंस, किसी की भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे चाइल्ड में प्रॉपर्टी आ जाती है अपने पेरेंट्स की। आपको याद होगा कि इनहेरिटेंस के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर आपके पास क्या आ जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने स्टूडेंट आपको पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक भी बताया था। पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास क्या होता है? पॉली प्लस मैनी, कि जिसमें हम कई सारे हम फॉर्म्स डिजाइन करते हैं, जिसमें फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवर जो है आपके पास क्या ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपके पास है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम इसमें इतना ही हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।